नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों को एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो मेरे जो वीडियोस के जो कंटेंट से किसी प्रकार के आपस में संबंध ना हो, फिर भी ये वीडियोस में उन सभी गिने चुने मेरे जो सब्सक्राइबर या व्यूअर्स है उन्हीं की भलाई के लिए बना रहा हूँ। तो आजकल मैं फेसबुक में बहुत ज़्यादा ऐसा देख रहा हूँ कि लोगों को अजीब अजीब सा मैसेज आ रहा है कि जैसे बधाई हो, आप इतने जो है लाख रुपए जीत गए, इतना जो है डॉलर जीत गए करके ऐसा मैसेज आते हैं। और कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं कि जैसे आपके जो पेजबुक है या पेज का आईडी है इसको बंद कर दिया जाएगा, अगर इसको चालू रखना चाहते हैं तो आप अपना कन्फर्मेशन दें। तो उसमें आपका OTP, पासवर्ड, आपका जो है निजी जानकारी जैसे डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सब जानकारी ले लेते हैं। जिनको पता नहीं वो जानकारी देते जाते हैं और वो सोशल मीडिया का शिकार होते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जो फेसबुक आईडी में ऐसा कुछ वीडियो या फोटो जानने के उत्सुकता में या किसी प्रकार के जो है लालच में आकर ऐसे फोटोस, वीडियोस या मैसेजेस के लिंक पे क्लिक करते हैं, तो जिसके कारण अपने वो फेसबुक का जो आईडी या पेजेस खो रहे हैं। तो जिसके कारण आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे जो क्राइम हैं, एक प्रकार के अपराध बढ़ चुका है। तो जैसे मेरा जो व्यूअर्स है या जो सब्सक्राइबर है उनके लिए ही एक प्रकार के जो चेतावनी है, किस प्रकार अगर अनजान लोगों के माध्यम से किसी प्रकार के वीडियो कॉल्स या जो है मैसेजेस ऐसा कुछ आता है तो उन चीज़ों को जो है इग्नोर करें। और बैंक कभी भी हमसे किसी प्रकार के निजी जानकारी या OTP मांगता नहीं है। अगर किसी कोई और मांग रहा है तो सावधान हो जाइए, आपका बैंक अकाउंट जो है खाली हो सकता है। तो इसलिए आप इस प्रकार के जो मैसेजेस आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ फ़ोटोज़ डाल सकते हैं जिसमें आपका जिज्ञासा जाग सकता हो कि आगे क्या हुआ, इस प्रकार के जो है जानने का उत्सुकता आएगा। तो अगर जैसे आप उन सभी लिंक में क्लिक करेंगे तो अलग वेबसाइट में लेके जाते हैं, तो उसमें जो उस वो फेसबुक जैसा या वेबसाइट जैसा दिखता है, जैसे आप वहाँ निजी जानकारी डालते हैं तो वहाँ पर आपके पूरा जानकारी उनके पास चले जाते हैं। तो इस प्रकार लोग अपने जो है जानकारी के माध्यम से या फेसबुक का पेजेस खो रहे हैं और साथ ही साथ जो है बैंक का जो पैसा उनको ऑनलाइन में खोना पड़ रहा है। और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि जैसे अनजान लोगों के माध्यम से कॉल आता है ना, अनजान लोगों के माध्यम से कॉल आता है और जैसे वीडियो कॉल रिसीव होते ही सामने से कोई एक न्यूड सा या बिना कपड़े का जो लड़की बात करने लगता है, जो फिर आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं, आप उसको देखते रहते, फिर तब तक जो है 10-15 सेकंड में ये वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो आपको भेज देते हैं। और भेजने के बाद आपको एक प्रकार के धमकियाँ जो है चेतावनी देते हैं कि कहते हैं कि आप मेरे अकाउंट पर इतने पैसे डाले, अन्यथा मैं ये वीडियोज़ आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सभी मित्रजन को भेज दूंगा। तो जो अपना सम्मान प्रिय जो व्यक्ति, जैसे भारत के जो साधारण जो आम परिवार के जो लोग हैं उनको अपने जो है जीवन से ज़्यादा जो इज्जत से प्यारा होता है, तो उनको लगता है कि अभी सब कुछ खो चुका है तो जानकारी नहीं है किसके पास जाए, किधर जाए, पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस लोग बराबर जो है जवाब नहीं देते, कोऑपरेट नहीं करते, किसी और को नहीं बता सकते। तो इसलिए उससे बचने के लिए बहुत सारे जन उनको पैसा देना भी शुरू करते हैं। जैसे पैसा देते जाते फिर बाद में जो कुछ लोग थंग आ जाते, वो परेशान करते रहते, एक महीना दो महीना शांत रहेंगे, फिर दूसरे तीसरे महीने से फिर से मैसेज आएगा, फिर से जो है तंग करना शुरू करेंगे। तो इससे बढ़िया कि उन चीज़ों से बचने के लिए कि अनजान कॉल, अनजान मैसेजेस या अनजान ऐसे कुछ सस्पिशियस जिसमें आपका किसी प्रकार की आशंका हो, उस प्रकार के लिंक में, वेबसाइट में कभी भी ना जाए। क्योंकि अगर इस प्रकार के मैसेजेस लिंक जो है किसी लालच में आकर कोई ऑन करेगा, ओपन करेगा, लिंक को जो है खोल के देखेंगे तो उसमें जो है अपना निजी जानकारी आप खो सकते हैं और निजी जानकारी के साथ साथ पैसा तो जाएंगे और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका मान सम्मान, एक प्रकार की इज्जत भी जा सकते हैं। तो फेसबुक में इस प्रकार के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ या एक प्रकार के मुझे भी आते हैं, ऐसे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं या ऐसा कोई पर्सनल जो है नंबर पर कॉल भी आते हैं, तो उससे जो है हमें बच के रहना है कि ये इस प्रकार की लालच में नहीं आना है। तो इसको फिशिंग जो है कहा जाता है कि जैसे मतलब जो है एक प्रकार की जो अपना वो क्या करते कि जैसे चारा डालते कि जैसे हम मछली को पकड़ने के लिए बुंसी में जो हम मांस लगाते उसमें कुछ तो भी खाने को लगाते, जैसे उस मांस के लालच में आता है और वो मछली वहाँ फंस जाता है। तो इसी प्रकार कुछ लोग पैसों का लालच या वीडियोस, फोटोस, न्यूज वीडियो फोटोस के लालच दिखाकर किसी के निजी आईडी इस प्रकार के अपने कब्जे में ले रहे और उसी से आदमी को दिन ब दिन जो है प्रताड़ित या ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसलिए ये वीडियो
आप सभी जनों के लिए है जो मेरे गिने चुने जो सब्सक्राइबर या व्यूअर्स मेरे वीडियोस देखते रहते हैं उन सभी जनों के लिए है। अगर आपको पहले से शायद पता होगा, हो सकता है ऐसे भी लोग हो जिनको पता नहीं हो, इसलिए मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा एक प्रकार की चेतावनी देना चाहिए, वार्निंग करना चाहिए। और साथ ही साथ आजकल जो अपने निजी कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं, तो उसके लिए जो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जैसे ही मेरे काम जो है काम खत्म हो जाएंगे, मुझे थोड़ा समय मिलना शुरू हो जाएगा, तो मैं फिर से जो है इस प्रकार कंटिन्यू वीडियो डालते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।